ट्रक की साइड डंपर एक रुका है वहाँ पे रुके हुए हैं और कैन उतर चुकी है। तो मिस्त्री एक बुलाया गया है, ये एक नया टंकी फुल करवाई थी, खाली हो गई। नमस्ते सबका, अभी हम थे ऑफिस में, लेकिन अभी भाई रंगा भाई का फोन आया, अचानक से प्लानिंग बन गई, तो वृंदावन निकलना है। ये रास्ते का सफर करवाते हैं, दिखाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं बालाजी के ढाबा पे, सोचा कुछ खा वाले आलमबाग लखनऊ, बस ऑर्डर किया है भाई ने, बस खाएंगे अभी थोड़ी देर में और निकलेंगे फिर वृंदावन के लिए। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, बाकी सफ़र का मज़ा लेते हुए आप लोग को भी दिखाते हैं और हम लोग भी देखते हुए चलते हैं। बाय करो, बाय करो भाई, पेमेंट दोनों लोगों के साथ करेंगे, लेकिन करेंगे तीनों ये अलग अलग। पेट्रोल पंप की फुल करवा लिया है तो भाई की गाड़ी ये है, भाई के पास शिवम और भाई नाम क्या आपका, राहुल भाई और शिवम भाई एक गाड़ी पे, रंगा भाई और अंकुल भाई मतलब हम एक गाड़ी पे, और रेडी अभी जाने के लिए स्टार्ट करके निकल। आगरा हाईवे काफ़ी क्रॉस कर लिया है, टूल टैक्स बस क्रॉस करके खड़े हुए हैं, तो अभी बाकी का सफ़र आगे तय करते हैं। ठीक है, मिलते हैं यार, अपडेट रहेंगे सफर पे। अभी तो अभी इधर पहली बार, तो यहाँ तो बाइक का भी टूल टैक्स पड़ रहा है। शिवम भाई कितना टूल टैक्स? 360 रुपये। 360 रुपये बाइक का। तो भाई अब समझ सकते हो बाइक का भी टूल टैक्स इधर लग रहा है और आगे भी पड़ा है, अभी आप आगे पड़ेगा टूल टैक्स। तो फर्स्ट टाइम इधर लखनऊ आगरा हाईवे पे बाइक का टूल टैक्स यार हम लोग दे रहे हैं। चलो आगे मिलते हैं फिर। अभी यहाँ से वृंदावन बचा है लगभग 150 किलोमीटर और काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से हम लोगों को रुकना पड़ रहा है थोड़ी देर रास्ते पे। और हम लोग तो रेनकोट लेके आए थे, लेकिन ये भाई लोग रेनकोट नहीं लेके आए थे, तो अभी ट्रक की साइड डंपर एक रुका है वहाँ पे रुके हुए हैं, बहुत परेशान है, ठंडी वंडी भी लग रही है इन लोग के, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं। ये कि तुम्हारे घर में बिस्कुट चाय वगैरह हो तो लेके चले आओ, पर कपकपी थोड़ा सा भी लग रही है, माहौल कुछ ऐसा दिख रहा है मजबूत। और ये पबजी वाला पुल है यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और चलिए फिर आगे का अभी दिखाते हैं क्या सीन। अभी पहुंच गए हैं आगरा, आगरा के अंदर ही हैं, लेकिन अभी पूरा मैप घुमा के दिखा रहा था, वृंदावन जाना है और आगे टूल प्लाजा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचे थे, बट बाइक पूरी टंकी फुल करवाई थी, खाली हो गई है, तो भाई हमारे वापस आ रहे हैं घूम के वहां से, और यार देखते हैं पेट्रोल टंकी तो दिख ही नहीं रही, यहाँ पे काफी दूर है, तो देखो कैसे ले जाते हैं यार इसको, बाकी आगे का दिखाते हैं। टोल ख़त्म हो गया था, टूल टैक्स पे हम लोग वेट कर रहे थे, रंगा भाई और शिवम भाई हमारे पेट्रोल लेने गए थे, तो ये शिवम बहुत मेहनती हूँ भाई, और हम दो लोग वेट कर रहे थे, तो भाई पेट्रोल बोतल में तो मिला नहीं है, इसी बाइक में भरवा के लाए बोतल दिया। कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा है और इनकी चैन उतर चुकी है, तो मिस्त्री एक बुलाया गया है, ये एक नया, तो यही अब सुधार रहा है।
हमारे छोटे मिस्त्री साहब, इनका नाम मिस्टर ब्लॉगर। चैन उतर गई है यार, गाड़ी की चैन उतर गई है और हम लोगों के साथ ही अक्सर होता रहता है। इससे पहले हम लोगों ने नेपाल का टूर मारा होगा तो भाइयों आप लोगों को याद होगा, अनुज भाई की गाड़ी का बल्ब दग गया था और आज इस गाड़ी का चैन दग गई है। The highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. चुके हैं और स्टे ले रहे हैं आशीर्वाद करके कोई है होटल, तो वहीं पे तो अभी एंट्री वेंट्री कर लिया है, चलते हैं। बाकी लोग तो भाई अंदर पहुंच गए हैं और दिखाते हैं रूम वूम कैसा है। या अभी हम पहुंच गए हैं अपने रूम के अंदर, तो रूम कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दोनों पड़े हुए हैं, थकान हो गई है काफ़ी और रूम कुछ ऐसा दिख रहा है, फैन भी चल रहा है गोल गोल करके और इधर कुछ ऐसा, और ये ठीक है, अच्छा है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं, पर ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से फ्रेश होके और निकलेंगे प्रेम मंदिर के लिए। हेलो भैया, राधे राधे। क्योंकि हम एक बार फिर से मंदिर के अंदर आ चुके हैं, 12 बजे के टाइम आए थे क्योंकि 9 से 12 ओपन रहता है, उसके बाद आपका 4 बजे से 9 बजे तक, तो अभी 4 बजे ओपन हो रहा है, अभी बज रहा है 5, तो अभी फिर से हम लोग अंदर आए हैं क्योंकि इस टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है, दोपहर के टाइम तो कम भीड़ थी, तो आप देख सकते हैं इस टाइम पूरे मंदिर में बहुत सारी भीड़ है। रंगा भाई अपने बहुत सारी गोपियों के दर्शन करने आए हैं। राधे राधे, राधे राधे। हम लोग अभी जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया
गए भाई वापस लखनऊ के लिए, क्योंकि हम लोग दर्शन वर्शन कर चुके हैं। तो हमारी गाड़ी पे रंगा भाई और एक गाड़ी आगे जा रही है प्रेम मंदिर के, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अभी हम लोग भाई रूम पे हैं और निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, क्योंकि अभी मंदिर से आए हुए हैं, बस रूम चेकआउट मार रहे हैं और देखते हैं कितनी देर तक भाई पहुंचेंगे, कितनी देर में लखनऊ, कितने बजे। कि उधर से आने में पेट्रोल ख़त्म, फिर गाड़ी पंचर, चैन उतरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भाई लगभग 8 घंटे लग गए थे। तो इधर से देखते हैं कितनी देर में निकल पहुँचते हैं भाई। चलो बाय बाय, मिलते हैं लखनऊ में। हाँ तो भाई मंदिर का क्या एक्सपीरियंस रहा? मंदिर एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। और हाँ एक बात जरूरी, और हमारे भाई ने जो है लौंडिया बाजी बंद कर दिए, सख्त लौंडा कंठी संधि से धारण कर लिए, टीका ये सब वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन ये आप पहनना है बिल्कुल। संन्यास लेगा भाई, संन्यास अगले साल आएगा यहाँ पे आपको दिखाएगा। राधे 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 बोलते रहो राधे, आगे गंगा में कर। करवा लिया फुल और जा रहे थे लखनऊ, तो हमने सोचा कि अब जाएंगे भाई ताजमहल, इतनी दूर आए हैं तो देख ले ताजमहल। वो बाइक आगे एक मुड़ रही है, तो हम लोग बाकी दिखाते हैं भाई ताजमहल कैसा दिखता है रात में। चलिए मिलते हैं। आप लोग देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं आगरा, वृंदावन से निकले थे, काफी टाइम हो गया, लगभग एक डेढ़ घंटा निकले टाइम हो गया है। और अभी हम लोग आगरा की सड़कों पे चल रहे हैं, गलियों नहीं सड़कों पे। कुछ टाइम के बाद हम पहुंचने वाले हैं ताजमहल के पास और दिखाते हैं आगरा का ताजमहल। अब क्या ही बताएं, बिल्कुल बेकार न्यूज़ है, क्योंकि हम आए थे ताजमहल देखने और बज रहा है 10:30 के अराउंड। तो भाई यहाँ पे मालूम किया, पूरा बंद है, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी है उन लोग से पूछा तो बोल रहे हैं कि अभी सुबह देखने को मिलेगा और ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ से ताजमहल को देख सकते हैं। बस यहीं पे खड़े हैं भाई, स्टे नहीं लेंगे, चलेंगे सीधा लखनऊ, वहीं रुकेंगे चल के। गंगा भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ये चोटी रंगा भाई क्यों बांधे हैं, दिखाइए हमारी ऑडियंस को, दिखाइए रंगा भाई ऊपर। तो इधर थोड़ा फेस वेस दिखा दीजिए रंगा भाई। अरे वो देख लीजिए। तो भाई लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। मैंने यार लाइट भाई नाइट नहीं, लखनऊ निकलेंगे डायरेक्ट। तो भाई चलो लखनऊ मिलते हैं लखनऊ वाले। बाय बाय। लोग हैं कहाँ पे? बाबा का ढाबा जो कि पड़ता है आगरा में। तो ताजमहल देखने को मिला नहीं, तो हम अभी लोग उस साइड ताज होटल देख के आ रहे हैं, उसी से काम चलाया रंगा भाई ने। क्या कहना चाहोगे? खाना क्या भाई, भूख लगी तो खाने आए हैं, खाना कुछ ऐसा सर्व कर रहे हैं। और बाकी हम लोग खा वा के निकलते हैं यहाँ से भाई, 11 तो बज गया यहीं, और देखते हैं लखनऊ कितने बजे तक पहुँचे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे भाई? खाना मस्त। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Yeah, बहुत मेहनत करने के बाद भी हम असफल रहे हैं कि भाई टूल टैक्स जो था वहाँ पे एंट्री है 5 बजे के बाद, और हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के हाईवे के नीचे ले के तो आए हैं। ये आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और थोड़ा सा वहाँ से दिमाग लगा के नीचे सर्विस लेन तो ले आए इधर से, बाकी फिर सर्विस लेन से जब ऊपर जाना है तो उधर भी टूल टैक्स है, आगे जाके उधर भी टूल टैक्स है, फिर यहाँ भी बोल रहे हैं भैया कि 5 बजे के बाद जाने को मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब जाएंगे फिरोजाबाद होते हुए, फिरोजाबाद से कानपुर होते हुए लखनऊ, तो वो वाला देखते हैं यार भाई, सोच रहे हैं कि वहीं निकलेंगे। बड़ा दिमाग खराब हो गया, क्यों रंग? Melodies we haven't played. No, I don't want no rest.
रंगा भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं दीवार के ऊपर। क्या हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर देहात, और उधर से तो आने को मिले नहीं था, तो फरुखाबाद होते हुए कानपुर होते हुए तो इधर से भाई काफ़ी लंबा पड़ गया है। तो कभी भी आप लोग अगर मोटरसाइकिल या फिर बाइक से आते हैं तो 8 बजे के पहले ही टूल टैक्स पे पहुंच जाएं, इधर से भी, लखनऊ से भी और उधर से भी, तभी भाई आने को मिलेगा। मेरा मानना उधर जाइए ही मत भाई, उधर जो है आपका 500 रुपए का टूल टैक्स कट जाएगा, यहाँ पे 500 रुपए का तेल नहीं लगेगा, खाली 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा बस। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. ओ भैया गुड मॉर्निंग, रात में चले थे 11:30 के राउंड, अभी 7:15 हो रहा, 7:15 हो रहा है, तो लगभग 7.5 घंटा टोटली लगा हमको आगरा से वृंदावन से आने में यहाँ लखनऊ। तो अभी हम खड़े हुए हैं क्लॉक टावर पे, इधर आपको दिख जाएगा इमामबाड़ा। तो एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा, बस थोड़ा नाइट वाला थोड़ा सा फंस गया था, टूल टैक्स में 8 बजे एंट्री लेनी थी तो 11:00 के राउंड पहुँचे थे, उसकी वजह से हम लोग को फिर फरुखाबाद कानपुर होते हुए आना पड़ा, वरना आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ के आते वो बढ़िया था वैसे तो। बाकी एक्सपीरियंस एकदम मस्त रहा, मज़ा आ गया, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक की बाय बाय। और हमारे रंगा भाई कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहूँ भाई, नींद आ रही है, घर पे बात।